ये है आपकी व्हाइट कलर की। क्या है क्या है क्या है वो? ये है साउंड। कितने लीटर में कितना जाएंगे गाड़ी अपने एवरेज कोई फोर। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं बाइक देखने के लिए, ड्रीम बाइक यामा की और केटीएम। और जो भी अच्छी होगी आप कमेंट में बता देना, वो बाइक करूंगा। और ये मेरी फर्स्ट बाइक है जो मैं स्पोर्ट्स बाइक लेने वाला हूँ, बुलेट है ये अभी। तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं। और यार काफी लेट ब्लॉग आ रहा है, तो यार आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। चलो फिर जल्दी से आगे मिलते हैं। ये देखो पूरे दिन क्या करता रहता है। क्या है क्या है क्या है? देख रहे हो, मस्त। इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, आराम से खेलेगा कूदेगा। वीडियो दिखाऊं बाद में, देख लियो। चलो फिर जल्दी से चलते हैं, आप सभी को दिखाता हूँ। कमेंट में बताना कौन सी बाइक अच्छी है और कौन सी लेनी चाहिए। तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं। गए हम यामा के शोरूम, अब चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। ये आ गए हैं यामा के शोरूम में। और ये रही अपनी आर एन फाइव। ये एम मॉडल है, और अभी एक ये नई आई है वाइट कलर में। ये V3 मॉडल है ना, ये V3 मॉडल है, ये V3 है, ये V4 है। ये है आपकी वाइट कलर की, ये ऐसा कुछ लगता है आगे से। और इसका जो मीटर है आपका नॉर्मल मीटर मिलेगा, ये देखिए R15 का एक नॉर्मल होगा। इसमें आपको TFT मीटर मिल जाता है। ये होगा आपका, ये आपको पूरा कलर में आता है ना, आगे से लुक आपका ये ऐसा होगा। ये है साउंड। ये चारों एक साथ लाइट जलता है ना इस वाले मॉडल में, इंडिकेटर चारों चलते हैं ना, चारों चलते हैं। चलो फिर अब जल्दी से डिसाइड करते हैं। बाकी ये अपनी इधर MT खड़ी हुई है, ये रही, और FZ है। कितना लीटर में कितना जाएगा गाड़ी अपना एवरेज कोई? यहाँ पे चेंज करने के लिए, और यहाँ पे टोटल चीज यहीं पे है। आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है, बटन TCS हो गया, ऑड हो गया इधर। इसमें हम कितना ट्रैक कर सकते हैं वो टोटल, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक ब्लैक कलर भी आती है सर, R15 में ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक, प्रॉपर आपको ब्लैक वो पहले आते थे V4 में आते थे, ऐसे में था। हाँ 2022 मॉडल वाले आते थे। आ चुके हैं बाहर। अब मेन चीज है यार, लेट हो गए हैं, KTM के जाना था। अब देखते हैं अगले दिन जाते हैं। और कैसी लग रही है बाइक आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। और चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।